नमस्कार किसान भाइयों, अब की बार एमएसपी जो प्रति क्विंटल थी तो 2023 और 24 के अंदर गेहूं का 2125 रुपए प्राइस था और वह अब की बार 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके अंदर आपको एमएसपी प्रति क्विंटल 2275 रुपए अब की बार गेहूं है जो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो है जो की भी हो गई चना मसूर सरसों और जितने भी फसल है उसमें लगभग 150 से लेकर 400-450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। तो सभी किसान भाइयों को यह जानकारी देनी जरूरी थी। जो एमएसपी प्रति क्विंटल थी जो 2023 और 24 के अंदर जो गेहूं बिक रही थी वो 2125 रुपए थी और अब की बार जो बिकेगी वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगी। तो सभी किसान भाई अपना फसल पंजीकरण अवश्य करवा लें, क्योंकि फसल पंजीकरण करवाना जरूरी है। फसल पंजीकरण आप करवाओगे तभी आप गवर्नमेंट को गेहूं दे पाओगे। तो पिछली बार बहुत सारे किसान भाई थे जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया था, उसके बाद उनको बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, वह सरकारी रेट पर गेहूं नहीं बेच सके। तो अब की बार पंजीकरण अवश्य करवा लें। तो अभी तक पंजीकरण शुरू नहीं हुए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, हम आपको बहुत सही जानकारी देंगे। जब फसल ऑनलाइन शुरू हो जाएगी तो हम आपको वीडियो डाल देंगे। तो अब की बार गेहूं जो चना मसूर सरसों और आदि फसलों के लिए ये बढ़ा दी गई है। तो सरसों की बात कर लेते हैं, सरसों अब की बार 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी है वो बढ़ा दी गई है। अब की बार सरसों सरकारी रेट 5650 रुपए की वृद्धि होगी। उसके बाद जो चना है वो 105 रुपए बढ़ा दिया गया है और जो थे जो 1850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अब की बार बिकेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।